हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी गुडविल के वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमारा ये लेक्चर है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको करना क्या है, आपने टाइप करना है कॉमर्स की पाठशाला। आप इसको टाइप करके सर्च करेंगे, हमारा चैनल जो है सबसे स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आना है। आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है इसे दबा देना है, ठीक है? उसके बाद आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप एक तरीके से, जैसे आप ट्यूशन फी पेमेंट करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर ट्यूशन फी की तरफ पेमेंट करना है। और यहाँ से आपको ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है? आपको बहुत ही लो कॉस्ट, यू नो, आपको बहुत ही सस्ते दामों पे आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स। प्लस आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें तो हमारे चैनल पे आने के बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उसको एक बार पक्का चेकआउट करो, क्योंकि चेकआउट करने के बाद आपको वहां दिखेगा बहुत सारी प्लेलिस्ट। जैसे कि आप बीकॉम की भी पढ़ाई कर रहे हो तो बीकॉम के लिए आप बीकॉम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। बीकॉम का पुराना सिलेबस खत्म हो गया है, नया वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो यहाँ देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तीनों प्लेलिस्ट हैं और इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट? तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि वैल्यू, जो गुडविल है उसके वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपका दुकान किसी अच्छे इलाके में होगा, जहाँ पे अच्छे लोग आते होंगे सामान की खरीदारी करने के लिए, और बहुत ही, यू नो, कन्वीनियंट जगह पे होगा, तो डेफिनेटली लोग आपके पास से ज्यादा सामान खरीदेंगे। और आपके पास से अगर ज्यादा सामान खरीदेंगे तो गुडविल भी आपका जो है वो बढ़ेगा, बढ़ता है, राइट? सो लोकेशन ऑफ द बिजनेस की अगर बात करें, सो इफ द फर्म इज लोकेटेड एट द सेंट्रलाइज्ड प्लेस वेयर देयर इज अ मोर ट्रैफिक एंड हैज हाई सेल्स, सो अर्न्स मोर गुडविल। जो मैं आपने आपको बताया वही बात यहाँ पे बोली गई है। मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से अंडर हाईलाइट कर देता हूँ। Therefore, if the business is located at the prominent place, it will attract more customers and will generate more goodwill. है ना? तो अगर अच्छा, अगर किसी परमानेंट प्लेस पे अगर होगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से गुडविल भी ज्यादा से ज्यादा बनेगी, राइट? दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण से एक तरीके से गुडविल बढ़ता है या घटता है। अगर मैनेजमेंट में आप किसी, सपोज किसी अच्छे व्यक्ति को अगर आपने सीईओ अपॉइंट कर दिया, है ना, तो आपकी वैल्यूएशन ऐसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां आपने एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार, यू नो, अच्छे व्यक्ति को आपने सीईओ अपॉइंट करा है ना? तो इसी तरीके से अगर आपका मैनेजमेंट, है ना, अगर बेहतरीन होता है तो आपका गुडविल भी बहुत बेहतर होता है। सो इफ द बिजनेस हैज गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर बिजनेस के पास बहुत ही अच्छा, यू नो, मैनेजमेंट है, इट हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड गुडविल। ये हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को एक तरीके से अर्न करने में, प्रॉफिट अर्न करने में और गुडविल को अपना बढ़ाने में। सो द बिजनेस विद एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट विल जनरेट मोर गुडविल। तो इसके कारण से जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, उसके कारण से जो कंपनी होती है वो ज्यादा से ज्यादा गुडविल वो कमा पाती है, है ना? बिजनेस लॉन्जिविटी, ये क्या होता है? सो द बिजनेस विद हायर लॉन्जिविटी और ओल्डर बिजनेसेस इज नोन फॉर मोर कस्टमर्स एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। एज विद टाइम बिजनेस कैन मोर रेपुटेशन कैन अर्न मोर रेपुटेशन विद द नंबर ऑफ कस्टमर्स आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना? तो यहाँ पे जो बात बोली कि वो ये है कि कोई भी बिजनेस जितना पुराना होता है वो उतना ही ज्यादा भरोसेमंद होता है। आप जैसे एमडीएच का नाम ले लो, है ना, महाशय दी हट्टी, आपने नाम सुना होगा एमडीएच का। तो एमडीएच के मसाले जब भी हम खरीदने जाते हैं तो मनपसंद या फिर और कोई ब्रांड नहीं खरीदते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं कि एमडीएच के मसाले खरीदें। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि एमडीएच काफी समय से चल रहा है, आजादी के पहले का ब्रांड है, वो अभी भी चल रहा है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो बिजनेस अगर ज्यादा पुराना होता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बिजनेस जो है उसकी गुडविल बहुत ही हाई होगी या हाई बनाई जा सकती है। सो बिजनेस का पुराना होना इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना? तो अगला पॉइंट पे चले आते हैं, जो कि है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कैसा है? आपका प्रोडक्ट की अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी, है ना, तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट का गुडविल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना? सो द बिजनेस विच डील्स इन डेली यूज प्रोडक्ट्स विल हैव स्टेबल प्रॉफिट्स एंड डिमांड सो
सो विल हैव मोर गुडविल इन कंपैरिजन टू दोज बिजनेसेस व्हिच डील्स इन फैंसी प्रोडक्ट्स, है ना। तो ऐसा कोई बिजनेस जिसका डेली इस्तेमाल हो रहा हो ना, उसका प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। आप सोच करके देखो कि आप साबुन सर्फ डेली खरीद रहे हो, डेली आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसी चीजों का जो गुडविल होता है ना, लोग कनेक्शन बना पाते हैं, और जब कनेक्शन बना पाते हैं तो गुडविल ऑटोमेटिक जनरेट होता है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि ऐसे बिजनेसेस के पास जो है प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और उनकी डिमांड भी बहुत अच्छी होती है, गुडविल का जो है उनको वैल्यू भी अच्छा मिलता है। लेकिन कोई फैंसी प्रोडक्ट है सपोज, तो उनका डिमांड तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, और हालांकि वो बहुत ही ओकेजनल भी होगा। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोडक्ट का बनाते हो, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी, अगर आप अच्छी ब्रांड हो, तो डेफिनेटली उस केस में भी आपका जो बिजनेस है वो चल पड़ता है, प्रोडक्ट जो है आपका, और उसके कारण से भी आपका गुडविल बढ़ता है। जैसे कि लुई विटों हो गया, है ना, कैप्रिसी का आपने नाम सुना होगा, जो हैंडबैग्स बनाते हैं। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी वैल्यू इसलिए ही है क्योंकि लोग राइट उनको पहचानते हैं, उनकी गुडविल है मार्केट में, है ना, कि अच्छे क्वालिटी के बनाते हैं, प्राइसेस थोड़ी हाई होती है बट क्वालिटी बेहतर होता है, राइट। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको गुडविल के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला है रिस्क। सो इफ द रिस्क इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस इज मोर देन इट विल हैव लेस गुडविल, एंड ऑन द अदर हैंड इफ द रिस्क इज इन्वॉल्व और ऑन द अदर हैंड इफ द रिस्क इन्वॉल्व इज लेस, फर्म विल हैव मोर गुडविल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपका बिजनेस में अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर डेट बहुत आपने ज्यादा लेकर के रखा है, तो उस केस में आपको क्या होगा ना कि गुडविल जो होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि लोग आप पे कम भरोसा करेंगे, उनको पता रहेगा ना कि आपने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। लेकिन इन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा होता है कि आपने रिस्क बहुत कम लिया, जैसे कि जैसे डेट फ्री कंपनी बोलते हैं हम, पैसे अपने कोशिश करते हैं कि डेट फ्री कंपनी में लगाएं, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई उधार नहीं है, कोई लोन नहीं है, उनको ना किसी को पैसा चुकाने नहीं, उनकी लाइबिलिटी कम है ना, तो उस केस में आपके लॉसेस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो कंपनी का गुडविल बढ़ता है कि भाई कंपनी इतनी बड़ी है कि कंपनी को कभी लोन ही नहीं लेना पड़ा, वो अपने पैसे जो कमाती है उसी को इन्वेस्ट करती है, उसी से वो एक्सपेंशन अपना कर रही है, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट है कॉम्पिटिशन। सो इफ इन द नियर फ्यूचर देयर आर चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द फर्म, इट विल रिड्यूस द गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो आगे जाकर के अगर मान लो कॉम्पिटिशन का भी मार्केट में बढ़ता है, तो उसके कारण से गुडविल में थोड़ी सी कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, बबूल इंडिया में लाइक टूथपेस्ट चलता था जो कि इंडियन ब्रांड था, लेकिन कोलगेट आया, बाहर के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सेंसोडाइन जैसे ले लो, तो ये सब ब्रांड्स जब आते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, तो आपकी जो कंपनी है उसका गुडविल के ऊपर असर पड़ता है। आपका मार्केट शेयर जैसे जैसे घटता जाएगा, आपका गुडविल के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो कंपटीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। प्रॉफिट ट्रेंड, अगर आपका प्रॉफिट बिजनेस आपका कैसा कमा रहा है डेली, मतलब ईयरली बेसिस पे आपका ईयर ऑन ग्रोथ या ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ होता है वो अगर बेहतर है, प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो है गुडविल वो बढ़ती है। बट अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, आपको कभी लॉस हो रहा है कभी फायदा हो रहा है, अगर ऐसे सिस्टम में चल रहा है, तो उस केस में आपकी जो गुडविल है वो घटती रहती है ना। सो इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स आर ट्रेंडिंग फ्रॉम द पास्ट ईयर्स, दैट इज द प्रॉफिट्स आर शोइंग द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, देन द गुडविल ऑफ द फर्म विल ऑल्सो रिड्यूस एंड वाइस वर्सा, है ना। तो अगर आपका जो फर्म है का जो प्रॉफिट है वो अगर हर साल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घट रहा है, तो उसके कारण से जो आपका गुडविल है वो भी धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि लोगों को भरोसा कम होगा कि भाई प्रॉफिट ये कमा क्यों नहीं रहा, है ना। उल्टा अगर वाइस वर्सा अगर देखें, अगर आपका प्रॉफिट फ्रॉम पास्ट ईयर्स अगर बढ़ रहा है, अभी भी अगर आपको बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप लोग जो है आपसे आपके पास से ज्यादा आएंगे सामान खरीदने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा भी कंपनी अच्छी है तभी तो प्रॉफिट कमा रही है ना। तो प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो भी वन ऑफ द फैक्टर होता है डिटरमाइन करने में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। नाउ द लाइसेंस, if the firm has an import license, agar firm ke paas import license hai, definitely the goodwill increase because goodwill will increase because it can take the advantage of their license which the other firms without license cannot avail, hai na। to agar aapke paas license hai to aapko added advantage milta hai, aapko ek tarike se yahan pe valuation of goodwill nikalne mein aap badha karke dikha sakte ho, badha sakte ho, badh jati hai goodwill kyunki aapke paas license hai bhai, aap bahar se cheeze import karke la rahe ho, aap samajh rahe ho। बाकी सारी कंपनी सब कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है, सिर्फ आप ही कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आप ही के पास आएंगे ना, बोलेंगे भाई इनके पास इंपोर्टेड आइटम होता है, इनके पास चलते हैं, इनके शॉप पे चलते हैं भाई, है ना। तो ऐसा होता है, तो लाइसेंसिंग भी एक एक बहुत बड़ा फैक्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के चक्कर में। अगला है रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। सो द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स इज गुडविल। कैसे अफेक्ट करता है, बात करते हैं। इफ द टू फर्म्स अर्न सेम रेट ऑफ रिटर्न, अगर दो फर्म जो है वो सेम रेट ऑफ रिटर्न देती है,
बिजनेस विद लेसर कैपिटल विल एंजॉय मोर गुडविल। उस केस में जिसका कम पैसा लगा होगा ना बिजनेस में, वो ज्यादा गुडविल का फायदा उठा पाएगा। सपोज मैंने 5 लाख रुपए लगाए, दूसरे कंपनी ने 10 लाख रुपए लगाए कंपनी को स्टार्ट करने में, लेकिन दोनों की जो सेल है वो इनकम सेम है, प्रॉफिट भी सेम है, तो क्या लगता है लोगों को भरोसा किस पे होगा? मुझ पे होगा ना ज्यादा भरोसा, क्योंकि मैंने कम पैसे लगा के मैं सेम प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो बंदा 10 लाख लगा करके सेम प्रॉफिट कमा रहा है, तो डिफरेंस तो है ना भाई, है ना। हमारी स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी है, लोग हम पे भरोसा ज्यादा करेंगे, तो हमारी गुडविल बढ़ेगी, राइट। सो दीज आर द यू नो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसके कारण से जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो उसमें अफेक्ट पड़ता है, उसको इन्फ्लुएंस किए करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।